हेलो दोस्तों नमस्ते। तो आज का हम लोग का ब्लॉग होने वाला है वो है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही फेमस और न्यू पार्क, वो है फॉसिल पार्क। और ये मंडोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो साहिबगंज का ही एक प्रखंड है। तो चलिए इसी पार्क को हम लोग आज दीदार करेंगे, देखेंगे ये किस तरह का पार्क है, नया पार्क है। तो चलिए मेरे इस वीडियो में आगे बने रहिए। और इसके साथ ही साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का और टूरिस्ट प्लेस को जानेंगे, देखेंगे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है, क्या घूमने लायक जगह, क्या देखने लायक जगह है। तो चलिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर और आगे बताते हैं इस टूर प्लेस के बारे में। और ये पार्क के ऊपर का सीन है, हालांकि अभी कुछ बना नहीं है लेकिन लुक बड़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का। पहले लकड़ी था, अब ये पत्थर बन गया है। लकड़ी हुआ करता था, बाद में ये पत्थर बन गया, इसी को ये म्यूजियम में सजा कर रखा गया है। और मेरे पीछे जो है ये है रेस्ट रूम, फॉरेस्ट रेस्ट रूम। जब आप दूर से आ रहे हैं तो यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। हालांकि प्राइस के बारे में तो पता नहीं कितना है कितना नहीं, लेकिन ये भी ऑप्शन है बहुत अच्छा है इस पार्क में, फॉसिल पार्क में। और ये यहाँ का जो फॉसिल पार्क है वहाँ का रेस्ट रूम है, यहाँ दूर से आते हैं तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। और ये है साहिबगंज का दूसरा टूरिस्ट प्लेस, और साहिबगंज का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक वो है मोती झरना। और ये साहिबगंज से 12 किलोमीटर दूर है जो महाराजपुर साइड पड़ता है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मोती झरना के पीछे की कहानी के बारे में बात करें तो मोती झरना ऐसे इसलिए कहते हैं कि बरसों पहले कहा जाता है कि यहाँ मोती मिलता था, इसलिए इसका नाम मोती झरना पड़ा है। और साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से 32 किलोमीटर दूर ये शिवगादी धाम बरहेट में पड़ता है। और यहाँ पे हर साल शिवरात्रि में या फिर सावन के महीना में मेला लगता है। ये भी एक टूरिस्ट का अट्रैक्शन है, यहाँ गुफा भी है। ये रहा हमारा बोंगा कोचा खजारना। और साहिबगंज का और एक अट्रैक्शन का केंद्र है वो है बोंगा कोचा झरना, जो शिवगादी धाम से 22 किलोमीटर दूर है। और जब शिवगादी धाम आप आ रहे हैं तो ये भी एक टूर का ऑप्शन हो सकता है। और साहिबगंज से 35 किलोमीटर दूर जो है राजमहल गंगा घाट, और यहाँ का जो किला है ये भी एक अट्रैक्शन का या टूर का बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यही सब था साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का कुछ गिना चुना टूरिस्ट प्लेस। आइए और आप लोग भी विजिट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें ताकि आप लोग के लिए इस तरह का वीडियो और बना सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद।